नमस्कार सभी व्यूअर्स का स्वागत है आज के इस लाइव में। आज हम हमारे साथ मौजूद हैं शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं। स्वागत है शशांक जी आपका इस चर्चा में। नमस्ते, धन्यवाद। तो शशांक जी, आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, जो एक न्योता देकर गए हैं भारतीयों को कि वो आए जर्मनी, वहां आकर काम करें, वहां नौकरियां ले। इसके पीछे आप क्या रीड कर पा रहे हैं, क्यों वो चाहते हैं कि खास तौर पे आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो कह रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं कि आप आइए जर्मनी में काम कीजिए, और साथ ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जिनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है नौकरी का और जो क्वालिफाइड हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जर्मनी ये कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वीजा नियमों में ढील दी जाए और टैलेंटेड जो प्रोफेशनल्स हैं उनको जर्मनी में निमंत्रण दिया जा रहा है। शशांक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जर्मन चांसलर का बहुत ही ये महत्वपूर्ण दौरा, एक प्रकार से मैं कहूँगा यूरोपियन देशों के लिए रहा है, क्योंकि अभी तक हमको ऐसा लगता था कि यूरोप के देश बिल्कुल इस समय नेटो की सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन करने में इतना ज़बरदस्त लगे हुए हैं कि वो एशिया के या अफ्रीका के और देशों के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। जर्मनी ने पहले भी कई बार भारत के एक्सपर्ट्स को, नागरिकों को जर्मनी आने का न्योता दिया है, कई बार गए भी हैं। लेकिन दो बातें हैं, एक तो मैं कहूँगा कि वहाँ पर जाने के बाद में अगर उनको मौका मिलता है अमेरिका जाने का तो फिर अमेरिका निकल जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि जर्मनी में आजकल, पहले उन्होंने टर्किश गेस्ट वर्कर्स को बहुत वो बुलाया था, तो वहाँ पर एक प्रकार से, और फिर जो मिडिल ईस्ट से काफ़ी रिफ्यूजीज यूरोप में गए हैं, तो वहाँ पर कुछ तरह की भावनाएं बन गई हैं कि फॉरेन वर्कर्स वेलकम नहीं है, तो इसलिए भारतीय यंग लोग जो हैं वो ज़्यादा जा नहीं रहे थे। एक बात और भी चीज़ों के अलावा वो ये कि यूरोप में और अमेरिका में वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का बड़ा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, काफ़ी हाई परसेंटेज होता है वो हर वर्कर की इनकम का, उसको वो ले तो लेते हैं लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर वर्कर जो है वहाँ पूरे समय तक रह ना पाए अपने रिटायरमेंट तक, या कोई सोशल इतना हो, तो वो उनका पैसा वो जर्मनी के पास रहते एडिशनल टैक्स चला जाता है, तो उसमें आवश्यकता होती है कि जो फैसिलिटीज जर्मन्स को मिलती हैं किसी सोशल सिक्योरिटी की, वो इंडियन वर्कर्स को भी उसी तरीके से मिलनी चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि एक एग्रीमेंट होता है, मुझे मालूम नहीं है कि जर्मनी के साथ साइन हो गया है। फिनलैंड जो था यूरोपियन कंट्रीज में पहला मुल्क था जिसने ये साइन किया था कि जो इंडिया के इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं या सोशल वेलफेयर पॉलिसी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडिया में, वो एप्लीकेबल माने जाएंगे फिनलैंड में भी, और वो पैसा इंडिया ट्रांसफ़र किया जाएगा अगर वो लोग इंडिया आ जाते हैं। और इस प्रकार से कम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने का उसमें एक रहता था। अब मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बातें आ जाती हैं कि जर्मनी में एटमॉस्फेयर, एक तो जो वहाँ पे सोशल टेंशंस हैं कई यूरोपियन देशों में हैं, जो रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, टर्किश वर्कर्स पहले ज़माने से हैं, तो उसमें किसी प्रकार से जो है, वहाँ एक बार आपको नारे भी बहुत लगते थे कि वी वॉन्ट चिल्ड्रन नॉट इंडियंस, किंड्रन नॉट इंड्रन, तो वहाँ पे हर जगह नारे लगते थे और बहुत शोर मचता था, हालांकि इंडियन वर्कर्स बहुत कम थे उन दिनों। तो मैं हैरान था, ये आज से 20-25 साल पहले की बात है कि जबकि मैंने देखा वहाँ पर जर्मनी में हर जगह इस तरह के नारे जगह जगह पर लिखे हुए बिल बोर्ड्स पर लगे रहते थे कि किंड्रन नॉट इंड्रन, इंडियंस नहीं चाहिए, किंडर बच्चे चाहिए हमको। तो ठीक है, बच्चे करें ना करें वो अपनी मर्जी है, लेकिन ये है कि उनको सोशल लेवल पर, सोसाइटी के लेवल पर ये आवश्यक है कि भारतीय लोग जो यंगस्टर जाएंगे उनको लगना चाहिए कि दे आर वेलकम, दे आर नंबर वन, उनकी फैमिलीज जा सकती हैं, तीसरा जो अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका उनको लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान नहीं झेलना चाहिए। और ये तो है कि अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो जाएं वो अमेरिका, जहाँ जाना, कोई वो जेल में तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कई बार कई देशों में ये होता है, सोचते हैं कि हम ला रहे हैं वर्कर्स तो खरीद के ला रहे हैं, तो खरीद के ला के उनको हमारे यहाँ काम करना है। तो किसी ज़माने में होता था कि वो फॉरेन वो क्या कहलाता था, वो बॉन्डेड लेबर, तो उसी का एक नया रूप
हमारे कई जो है गल्फ कंट्रीज में या और अरब कंट्रीज में भी गए हैं, तो मेरे पास इस तरह की वो आई थी खबरें कि वो वहाँ के रूलर्स यही समझते हैं कि ये हम लोग खरीद के ले आए हैं लोगों को, तो इनको पूरे 24 घंटे काम करना है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनकी सेवा करनी है। तो ठीक है, सेवा करने का तो हमारा वो है, एक तरीके से भावना ही रहती है हर समय कि दूसरों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए। तो मैं ये बात कहूँगा इस जर्मनी के उसमें, लेकिन ये ज़रूर है कि जर्मनी जो है बहुत तेज़ी से उभरती भी हमेशा से टेक्निकल पावर रहा है, भारत के साथ में उन्होंने हमेशा सहयोग करने की कोशिश करी है, और एक जी G4 ग्रुप बना था, मुझे याद है जब मैं विदेश सचिव था उस समय जर्मनी ने पहल करी थी हमारे इनिशिएटिव्स को रेस्पॉन्ड करने की, कि G4 एक होना चाहिए ताकि संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिफॉर्म्स होनी चाहिए उसमें जर्मनी, भारत, जापान और ब्राज़ील मिलके काम करेंगे, और उनको सबको जो है पूरे तरीके से रेडिकली ट्रांसफॉर्म करके उनको अच्छा रिफॉर्म करके लेकर आएंगे। तो मैं कहूँगा कि उन्होंने ये पहल करी थी, बहुत अच्छी बात थी। सस्टेनेबल एनर्जी में, ग्रीन एनर्जी में उन्होंने बहुत पहल करी है भारत के साथ में मिलकर, वो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में अगर ये कुछ अच्छी भावनाएं हमारे यहाँ जो थोड़ी सी आ गई हैं यूरोपियन देशों के बारे में, और वो पीपल टू पीपल लेवल पर है, ये गवर्नमेंट्स तो आगे बढ़ती हैं पहले, लेकिन ज़रूरी यह है कि जो आम जनता है उसको भी लगना चाहिए कि दे वेलकम देयर। जी आपने कई बात